हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। तो आज है कुल्लू दशहरे का डे 7, यानी कि आज लास्ट दशहरा है। तो वैसे मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया जो जो मैंने देखा। तो अभी मैंने ऐसा सोचा था कि अभी मैं जाऊंगी जितने भी लोकल जो शॉप वाले हैं, जो अपना हैंडीक्राफ्ट का सामान, जो हाथों से बना हुआ सामान, और कुछ मिठाइयों की दुकानें जहाँ पर मैं आप लोगों को ले जाऊँगी, तो वहाँ आपको दिखा दूँगी मैं इस बार। तो चलिए चलते हैं कुल्लू ढालपुर। तो शायद लाइव जाऊँ या नहीं, पर वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊँगी आज की। तो ये मेरे फॉलोअर हैं जो मुझे यहाँ पे मिले हैं। हेलो तो इस फिर तो जितनी भी दुकान लै रही है दी पर तक, और कुछ सारे लोकल जो कारीगर थे अपने ही लोग साइड रहे, तो से भी आगे जो लोकल समान है इन्हें आज तक अपनी जो परंपरा है सब बचाई रखी रही, पुराने समान रही। पर तो सब पता होना कि आजकल प्लास्टिक का जमाना आ रहा, तो अंडे नहीं रहा, कोम भी खत्म होता रहा मजे मजे से। पर इनू वाले जनरेशन पर डिपेंड है कि ते की यूज कर रही की नहीं। यहाँ पे मैं जितने भी लोकल कारीगर थे उनसे बातचीत कर रही थी, तो अचानक से गाने लगने शुरू हो गए, तो मैंने वीडियो फिर बीच में बंद कर दी थी। तो लास्ट शो सारे लोग का देवाग चलो लास्ट शो दर्शन करते कि देव तो घोरा भी नोट है, तो मेरा भी अपने देवा लास्ट शो चला चला ही दर्शन करते। हास्य जमलू देवरा डेरा हास्य जमलू देव विराजमान, तो चकनानी री गैंग री वीडियो बनाना आंदे मेरे भाई वगैरह यहाँ से जो चार लेडीज आ रही है, मैं आपको इनका डांस इसलिए दिखा रही क्योंकि ये चारों की चारों नाचती हुई है, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, तो ये इन्होंने अपना डांस नहीं छोड़ा। तो ये है हॉर्न नृत्य, जिसमें जो लड़के हैं वो लड़कियां बनके डांस कर रहे हैं। तो ये हॉर्न नृत्य है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी पेज पे डाली। इसमें जितनी भी कुल्लू की मॉडल्स है उनको रैंप वॉक के लिए बुलाया था, तो इन्होंने अलग अलग थीम, अलग अलग मैसेज देने का कोशिश किया। जैसे इन्होंने वाद्य यंत्र का प्रॉप यूज़ किया है, दूसरे जो है नेचर बने हैं, तो इस तरह के अलग अलग मैसेज। ये झांकी भाषा एवं संस्कृति विभाग की थी। तो इसमें एक देवते का रथ है और चैनी कोठी जो बंजार घाटी में उसी की एक मॉडल बनाया गया है। और ये देखिए मुखौटे पहनाए गए हैं, ये फागली होती है जो सराज वैली में बनाई जाती है, तो बहुत अच्छी है। ये झांकी पर्यटन विभाग की थी, तो ये शनाया है जो मुझे हायर कर रही है। तो इसमें बिजली महादेव जी के मंदिर को दिखाया गया है। नेक्स्ट जो झांकी है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की है, तो इसमें इन्होंने फॉरेस्ट
की चीजें दिखाई गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो सबसे फेवरेट मेरी ये वाली झांकी थी क्योंकि इसमें अपना पुराना कल्चर दिखाया गया है, जो भी औरतें कर रही है घर में जो काम किए जाते हैं, माई फेवरेट। यहाँ पे आपको सारी की सारी लेडीज भागते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया था, तो इसलिए इनको बोल रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, अदरवाइज ये यहाँ से डांस करते करते हुए जाएंगे। और आगे थे सीएम सर और एमएलए सर, तो सभी प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे थे, तो इनके दिखाने के लिए झांकी निकाली गई थी। तो थोड़ी देर बाद झांकी ख़त्म होगी और सब लोग नाचते नाचते यहाँ पे, वहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे थे सीएम सर, एसपीडीसी, सभी प्रशासनिक अधिकारी। तो यहाँ पे मुझे मिले मेरे भैया, तो इनके साथ इनके दोस्त थे, तो ये बोले थे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए देवता अब जा रहे हैं घर। तो छुकुड़ मेले रस्ते ने भी खेले चली थी, हम भी खेली चली थी, एक झाऊ में देख ब्याह में, तो हम भी चला को सोना मिला ही मिल लेता, फिर तो सभी मिला इकट्ठे हुए डूना ही। तो बस स्टैंड से मैं जा रही हूँ अभी पार्क की तरफ, चलते हैं काम पर। तो अब हम जा रहे हैं कुल्लू दशहरे में राइड करते हुए, अब मिलता है आपको ढालपुर में। तो कुल्लू जाते हुए रास्ते में हमें मिले देवता, तो एक थे जुआनी महादेव जी, दूसरा मुझे नहीं पता। तो आज देवी देवता जो है घर जाते हैं, कहीं सुबह जाते हैं, कहीं शाम को, कहीं अगले दिन जाते हैं, तो ये देवता जो घर जा रहे हैं। तो अभी आए हैं हम बस स्टैंड चाट टाइम है, यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं चाट खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगती है मुझे यहाँ की दही भला चाट, तो आज मैं समोसे वाली चाट ट्राई कर रही हूँ। तो दशहरा हो गया खत्म, स्टेज भी निकल रहा, अब हो जाएगी भीड़ कम, भीड़ कम। तो देखिए ये लगा जैसे मेला, जैसे रथ यात्रा खत्म, तो यहाँ पे सभी के मांझे लगने शुरू हो गए। रात को फिर डिनर करने के बाद मैं चली गई थी घर, तो वीडियो को करते हैं एंड, बाय बाय।